press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चौथा और पांचवा टेस्ट मैच रहने वाला है इंडिया के लिए करो हमारे और चौथा टेस्ट हारी इंडिया तो सीरीज हार जाएगी चौथा टेस्ट मैच 30 अगस्त से खेला जाएगा जो 3 सितंबर तक चलेगा 3:30 बजे से ये मैच लाइव आना चालू होगा और साउथहैम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा शुरुआती 2 टेस्ट मैच हार के तीसरा टेस्ट मैच इंडिया जीती है 203 रन से और इंग्लैंड को एक करारी हार दी है तो ऐसे में अब चौथा टेस्ट भी रहने वाला है इंडिया के लिए करो या मरो और अगर इंडिया जीत गई तो 2-2 से सीरीज को बराबर कर देगी और अगर इंडिया चौथा टेस्ट हारी तो 3-1 से इंडिया इस सीरीज को हार जाएगी ऐसे में चौथा टेस्ट मैच रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण और रहने वाला है बहुत ही रोमांच भरा इंग्लैंड पिछला मैच हारी थी 203 रन से तो कुछ बड़े चेंजेस कर सकती है चौथे टेस्ट मैच के लिए इंडिया कुछ चेंजेस ना करे तो अच्छा होगा इंडिया ने चौथे और पांचवे टेस्ट मैच के लिए इंक्लूड किया है हनुमा विहारी और रजनीश शॉ को पर इन दोनों को मौका नहीं मिलने वाला है क्योंकि इंडियन टीम अभी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है इंग्लैंड की टीम न्यूज देखें तो जेम्स वीन्स को बाकी 2 बचे टेस्ट मैच के लिए इंक्लूड किया गया है 14 मैन की टेस्ट स्क्वाड में और ऐसे में जॉनी बेस्ट्रो अभी थोड़े फिट नहीं है तो उनकी जगह हमको विकेट कीपिंग करते देख सकते हैं जॉर्ज बटलर तो ऐसे में चौथा टेस्ट मैच कौन जीतेगा सिर्फ 2 चीजों पर ही डिपेंड करता है पहली चीज ये कि पिच कंडीशन क्या रहने वाली है कैसा वेदर रहने वाला है और दूसरी चीज ये कि उस पिच कंडीशन के हिसाब से आप क्या प्लेइंग 11 देख सकते हैं बात करें पिच रिपोर्ट की तो मौसम साथ देने वाला है भारतीय टीम का मौसम पल पल पे नहीं बदलेगा और बारिश की कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं तो ऐसे में बैटिंग के लिए ज्यादा असरदार रहने वाली है पिच और बॉलिंग में भी मदद मिलेगी पर इतनी मदद बॉलर्स को नहीं मिल सकती है तो ऐसे में प्लेइंग 11 की बात करें तो इंडिया के लिए प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं अगर रविचंद्र अश्विन के ऊपर कोई सवाल उठते हैं उनको इंजरी आती है तो उनकी जगह रविंद्र जडेजा या हनुमा विहारी को शामिल करा जा सकता है बाकी इंडिया के लिए कोई चेंजेस नहीं रहेंगे बात करें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की तो इंग्लैंड मोइन अली को शामिल कर सकता है मोइन अली का यहाँ हाल ही में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है बैटिंग या बॉलिंग दोनों ही अच्छी कर रहे हैं तो मोइन अली यहाँ शामिल हो सकते हैं वापस से या सैम कुर्रन की भी वापसी हो सकती है ऐसे में देखते हैं चौथा टेस्ट मैच कौन जीतता है या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि चौथे टेस्ट मैच के रिव्यू में हम अगली बार मिलने वाले हैं